हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्मूदी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो एकदम झटपट तैयार हो जाती है और उतनी ही हेल्दी भी है। तो ये स्मूदी आप बना के आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, या तो फिर आप रात का डिनर स्किप करके उसकी जगह पे ये स्मूदी पी सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्मूदी की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गर्मी के लिए एकदम हेल्दी और शुगर फ्री एक स्मूदी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 ड्राई डेट्स लिए हैं, 6-7 काजू और 6-7 बादाम, और यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून चिया सीड्स भिगोने के लिए रखे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध लिया है और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही भिगो के रखी है, और आधा घंटा पहले मैंने ये भिगोने के लिए रख दिए थे। तो सबसे पहले हम ये जो अपने भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स है उसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं ये मिक्सी में डाल देती हूँ, और अब इसी के साथ मैं ये एक पका हुआ केला भी इसमें डालने वाली हूँ, और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अपनी स्मूदी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये स्मूदी को सर्व करते समय सबसे पहले 1 ग्लास में मैं ये चिया सीड्स डाल देती हूँ, और अब इसके ऊपर जाएगी अपनी स्मूदी। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्मूदी बना के आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, क्योंकि हमने इसमें केला डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और दूध भी है, और इसके साथ है चिया सीड्स, तो इससे आपका पेट भी एकदम फुल हो जाएगा। इसको मैं फिर से थोड़े से चिया सीड्स डाल देती हूँ ऊपर से, क्योंकि चिया सीड्स के बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही है। ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, आप ये स्मूदी की रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। और अभी गर्मी के दिनों में वैसे भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसा कुछ आप ठंडा ठंडा बना के पी सकते हो। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।